And welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, कुछ और भी आपको गुड न्यूज आपको बतानी है. सो आज 23 सितंबर है एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे इस चैनल को पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है. सो इस पूरे ईयर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, उन सभी के लिए, उन सभी को बहुत सारा थैंक यू. एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे ऐसे ही आगे तक सपोर्ट करते रहेंगे एंड मैं भी अपनी तरफ से पूरा अपना कोशिश करती रहूंगी कि जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल है, जितने अच्छे से अच्छी नॉलेज है फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मास्टर्स या बैचलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको जितना अच्छे से अच्छा हो पाएगा उतने ज्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को आपको कवर कराऊंगी. सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हर एक टॉपिक की, वो आप लोगों तक बिल्कुल ही रिलायबल सोर्स से आप तक पहुंचाने की पूरा अपनी पूरी कोशिश करूंगी. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. सो जैसे कि 25 सितंबर को आप लोगों का नेट का एग्जाम है, तो आप लोग जब भी एग्जाम देने जाते हो तो आप लोग काफी सारी गलतियां करते हैं जो कि आप लोगों को कभी भी नहीं करनी चाहिए. जैसे कि आपकी पहली गलती क्या होती है, जब भी आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद में वहां पर आपको आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, कुछ जूनियर्स मिलते हैं, कुछ सीनियर्स मिलते हैं, कुछ क्लासमेट्स मिलते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उनके साथ में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हो. जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ पूछा, किसी दूसरे ने आपसे कुछ और पूछ लिया एंड कोई क्वेश्चन, कुछ भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा एंड बाई चांस मान लीजिए कि आपको उस टाइम पर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर आपको अपनी प्रिपरेशन पर डाउट होने लगता है कि ये मुझे कैसे नहीं आता है, ये मुझे आना चाहिए था ये चीज लेकिन मुझे कैसे नहीं आता है. तो उससे क्या होता है कि आपका एक मोटिवेशन डाउन होने लगता है, आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है. तो इससे क्या रहता है कि आपको लगता है एक एग्रेसिवनेस आपके अंदर आने लगती है, आपको डर लगने लगता है, एक फियर आपके अंदर आने लगता है कि नहीं मतलब क्यों नहीं आता मुझे. तो इससे क्या रहता है, आपकी जब फियर आने लगेगा तो आपके वो एग्जाम पे इम्पैक्ट करता है. तो इसलिए आप जब भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए. कोई अगर कुछ पूछ भी रहा है तो आपको जस्ट इग्नोर करना है, आप डायरेक्टली उसको बोल दो कि अभी मुझसे कुछ भी बात मत करिए, बाद में हम बात कर लेंगे. तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले कभी भी किसी से भी किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह की किसी भी डिस्कशन में आपको खुद से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. सो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन फील नहीं होगा, कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं आती है. जितना आता है आप उतनी प्रिपरेशन के साथ जाइए, ठीक है. सेकेंड आप क्या करते हैं, सेकेंडली आप ये करते हैं कि जैसे कि आप अपने आप से फियर को अपने अंदर पैदा करने देते हैं. जैसे कि आप वहां पर देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं मेरे से कम्पीट करेंगे, तो आप खुद को उस पोजीशन में खुद को आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं. इससे आपके अंदर एक और डर आने लगता है कि इतने सारे लोग हैं, मैं इतने सारे में कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, कैसे मेरे अटेम्प्ट अच्छे हो पाएंगे, कैसे मैं ऐसा कर पाऊंगा. तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपको पता होता है काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ एक एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए आते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जाम के पैटर्न को देखने के लिए आते हैं. तो आप उस भीड़ से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए, तो उससे आपको फियर नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगा. तीसरी चीज क्या होती है आपके साथ में, जब भी आप पेपर देने जाते हैं वहां पर आप ये सोचकर जाते हैं कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं, मैंने कट ऑफ देख लिया है कि इतना कट ऑफ पिछली बार गया था, उससे पहले इतना गया था, तो इस बार इतना जाएगा, एक एक्सपेक्टेड आप लगा लेते हैं. तो उससे आप ये सोच कर जाते हैं कि मुझे अपने एग्जाम में इतने क्वेश्चन करके आने हैं या मुझे इतने तक का सही करके आना है. तो उससे क्या रहता है कि आपके सामने पेपर आया, आपने पेपर को देखा एंड बाई चांस आपके उतने अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर उस पर लगे रहते हैं कि नहीं मुझे उतने अटेम्प्ट करने किसी भी हालत में करने हैं. तो ये एक आप माइंडसेट बना के बिल्कुल भी मत जाइए कि आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं या आपका कट ऑफ इतना है तो आपको इतना क्लियर करना है. जब भी आप कट ऑफ को लेकर जाएंगे कि आपका इतना कट ऑफ रहा था,
तो आप कट ऑफ से कम ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। कभी भी अपने एग्जाम में कट ऑफ को देखकर मत जाइए कि आपका इतना कट ऑफ है। कभी भी अपने एग्जाम में कट ऑफ को देखकर नहीं जाना चाहिए। कट ऑफ देखने से क्या होता है, आप कभी भी कट ऑफ से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब आप कट ऑफ देखेंगे नहीं, तो आप पूरे अपनी कोशिश करेंगे कि 200 में से मैं 200 मार्क्स लेकर आऊं। तो इस वजह से ये सारी कुछ गलतियां थी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, एंड आई होप आप लोग ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एग्जाम की। जब भी हम एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं, जब आपके सामने पेपर आता है, तो पेपर में सबसे पहले आपके सामने आता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पेपर, सेकेंडली आपके पास आता है फोरेंसिक साइंस वाला पेपर। सो आपका जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, वहां से आपके सामने 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सो उसमें क्या रहता है, कुछ क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, कुछ आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के आते हैं, कुछ आपके क्वांट्स के आते हैं, कुछ आपकी डीआई एक आती है, इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, एक आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जरूर से आता है। तो वो क्या करना है, आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एंड अगर आपको उसका पूरा का पूरा आपके पास टाइम नहीं बच रहा है उसको पूरे अच्छे से पढ़ने का, आप उसको स्किमिंग की तरह से पढ़िए। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, आप लाइन बाय लाइन ना पढ़िए, वहां पर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होती हैं उनको पढ़िए। मतलब क्या है कहने का, जो भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है उसकी आपको ओवरऑल टोन समझनी है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपके पास शॉर्ट पैसेज है उस केस में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बहुत ही लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पैसेज है, एक लंबा सा पैसेज आया है एंड उसकी वजह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली पैसेज को मत पढ़िए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, तो वहां से आप क्या करेंगे, कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। उससे क्या होगा, फिर वही सारे की पॉइंट्स को आपको अपने पैसेज में ढूंढना है। वो सारे की पॉइंट्स को जब अपने पैसेज में ढूंढेंगे तो जहां पर आप स्किमिंग करते टाइम पर आपको वो पॉइंट आपको मिलेगा, वो की पॉइंट मिलेगा, फिर उसके बारे में आप लाइन बाय लाइन पूरा उसके 2-3 लाइन जितनी भी उसके ऊपर और जितनी उसके नीचे लिखी है तो उसको पढ़ के फिर आप तुरंत से उसको आंसर दे दीजिए। तो इससे क्या रहता है, आपके आंसर बिल्कुल सही निकल जाते हैं एंड उसको सॉल्व करने में आपके पास ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की, तो जब भी आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वहां पर आप खुद को, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर खुद को एक टीचर की तरह आप सोचिए कि अगर मैं टीचर होता तो ये चीजें अगर हैं आपके सामने, जो भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से क्या क्या हो सकती थी। तो जनरली आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके सेंटेंस को कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस आप इस तरह से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी करना है कि अगर आप रिसर्चर होते तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें वहां पर आप कर सकते थे, तो इस तरह से आप वहां के करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की जरूरत होती है। आप थोड़ा सा अपना सेंस को यूज करेंगे, थोड़ा सा आप लॉजिकली वहां पर सोचेंगे एंड कोशिश करेंगे कि वहां से जो ऑप्शंस दिए रखे हैं उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एक ट्रिक रहती है, वो बहुत ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। कोई भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अब क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बेसिस पर जो भी आपके सामने ऑप्शंस दिए रखे हैं उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जैसे ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से डी तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता, बी तो नहीं हो सकता, तो इस तरह से करते करते लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही तरह से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आप कम्युनिकेशन वाले में भी कर सकते हैं। आप जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी सिमिलरली आप यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक डीआई आती है, वो भी बहुत ईजी होती है, तो वहां पर भी अगर मैथ्स आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप उसको बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहां पर अगर आपको नंबर सीरीज सॉल्व करना नहीं आता है तो उसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। नंबर सीरीज के बेसिकली 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो आपके नंबर्स होंगे उसमें कुछ एडिशन हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, दूसरा क्या होता है, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। तो अभी आपको ये फाइंड आउट करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है या फिर मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है। अभी इसमें ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम बात करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज की, तो वहां पर आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस कैसे मिलेगा, मान लीजिए जो भी 2 सीरीज हैं, जो एक सीरीज आपको दे रखी है उस सीरीज में आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि 2
सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले आपके नंबर है 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, तो यहाँ पर क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी है कि 2, 2, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई भी नंबर अचानक से बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सिक्वेंशियल एक एक करके बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर क्या रहता है, आपका आपका जो इवन नंबर्स होते हैं उनका एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ऑड नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पर जो क्यूब्स होते हैं या जो स्क्वायर्स होते हैं उनका भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, इवन नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑड नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने फाइंड आउट कर लिया जो भी आपकी सीरीज है वो आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली है, तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज में क्या रहता है, आपकी लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपकी जो सीरीज दे रखी है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर इस नंबर को देखेंगे जो आपका लास्ट वाला नंबर है, वो नंबर आपका और उससे पहले वाला नंबर, ये दो नंबर को आप देखेंगे कि कितना मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 या 3, मतलब आपका डबल से ज्यादा है या नहीं, जो लास्ट वाला नंबर है वो आपका डबल से ज्यादा है या नहीं, जो आपका लास्ट वाला नंबर है इस वाले से नंबर से डबल से ज्यादा है या नहीं है। अगर आपका डबल से ज्यादा है या डबल है उस केस में आप देखेंगे कि वो आपका मल्टीप्लीकेशन की सीरीज होगी। जैसे कि आपकी ये पूरी सीरीज दे रखी है तो ये लास्ट का नंबर एंड उससे पहले का नंबर, इन दोनों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अचानक से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 4 है, 16 है, फिर 16 का डबल 64 एंड 64 से सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से क्या अचानक से आपका इंक्रीज हो रहा है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये अचानक से आपका ग्रोथ हो रहा है, अचानक से इसमें इंक्रीज हो रहा है नंबर्स में। तो जब आपको इस तरह की सीरीज आपको देखने को मिलती है तो वो इंडिकेशन होता है कि उस तरह की नंबर सीरीज जो है आपकी मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। तो फिर अगर मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है तो वहां पर आप लास्ट से ही एक आइडिया लगाना स्टार्ट करिए कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, एग्जैक्टली निकालना है, सिर्फ आपको एक आइडिया निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 जो भी है, ठीक है। तो वहां पर आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि यहाँ पर कितना होगा, फिर उससे पीछे वाले पे आइए, फिर उससे पीछे वाले पे आइए, फिर उससे पीछे वाले पे आइए। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी। फिर आप स्टार्टिंग से देखिए कि वहां पर आपके सामने कितना एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर इक्वली उतना ही आ रहा है, तो उस तरह से आप उसको बहुत ही इजीली नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व करें तो, ठीक है। ये हो गई नंबर सीरीज की बात। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का जरूर से आता है, तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको जनरलाइज वे में सोचिए, थोड़ा सा आप उसको लॉजिकली सोचिए, आपको उसका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन को कोशिश करिए आप सर्कुलर पैटर्न में एक पूरा वेन डायग्राम बनाते हुए उसको सॉल्व करिए। अगर आप उसको वेन डायग्राम बनाते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सही निकलता है, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप उसको डायरेक्टली सेंटेंस पढ़ के आप उसको आंसर दे देंगे, अगर आप उसको विंग डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर बहुत ही जल्दी बहुत ही सही तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप अपने पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सही तरह से आप सारे के सारे आंसर को सही कर सकते हैं। एंड जब भी सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने पेपर आता है तो आप पेपर को देख के पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी भी तरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। पेपर आपके सामने आया, आपने एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जितने हो रहे हैं इजीली हो रहे हैं कि आपको बस आपने क्वेश्चन देखा आपको आंसर आता है, आप आंसर मार्क करते हुए चले जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा है आप उस समय के लिए स्किप कर दीजिए। जब आपका पूरा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए वापस से एक बार एक राउंड लीजिए कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो जो नहीं आते हैं एक बार फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना सफिशियंट टाइम होता है कि आप उसको दो बार भी पूरा अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक बार आपने सॉल्व कर लिया, फिर आपने एक बार वापस से रिव्यू किया, तो जितने जितने क्वेश्चंस आपसे लग रहे थे कि हाँ पिछली अगर हम दोबारा से आएंगे तो हो जाएगा, आपने उनको सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग किसी भी एक क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये करना ही करना है, तो आपका वो क्वेश्चन तो होगा नहीं होगा पता नहीं, बाकी के सारे क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा एंड बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपके गलत हो सकते हैं या फिर आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा टाइम उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिया। तो इसलिए किसी भी एक क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, किसी भी एक क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार आप पूरा पेपर पढ़िए, जितना आता है उतना करते जाइए, जितना नहीं आता है उतना छोड़ते जाइए, फिर सेकेंड राउंड में वापस से पूरा एक बार कर लीजिए, जितना आता है उतना आपने वापस से टिक मार्क कर दिया, जितना नहीं आता है वो छोड़ दिया।
फिर आपने फोरेंसिक साइंस वाला जो पेपर टू है वहां पर आप आ गए एंड वहां पर भी आपको सेम आपको चीज फॉलो करनी है कि जितना आपने एक बार व्यू किया जितना आता है ऑन द स्पॉट आपने टिक कर दिया, जितना नहीं आता है उसको छोड़ते चले गए। वापस आपने एक बार पूरे पेपर को देखा, फोरेंसिक साइंस वाले पेपर को जितना आता था आपने वापस से उसको टिक कर दिया, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा, लॉजिकली सोचेंगे थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है तो उसका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको गारंटी है कि 100% वो नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट कर लीजिए। मान लीजिए आपने दो ऑप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर लिया, आपके पास दो ऑप्शन बचे बाकी के, उन दो ऑप्शन में सोचिए कि लॉजिकली सोचिए फिर कि इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना सेंस को यूज करेंगे, थोड़ा सा फोरेंसिक साइंस की नॉलेज को अप्लाई करेंगे एंड वहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंड एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन की जो आपकी एक टेक्निक होती है, एक ट्रिक होती है, यहाँ से इस ट्रिक का आप यूज करते हुए काफी सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं। ठीक है, सो ये आप इस तरह से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे एंड जितने भी आपने अभी तक प्रैक्टिस कर रखी है, जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा था पूरा का पूरा आपने रिवीजन भी कर रखा होगा, तो अभी आप उसको हल्का सा जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन पे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा था। बाकी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फ्रीली कूल एंड काम माइंड से जाइएगा, बिल्कुल शांति के साथ जाइएगा, किसी से भी एग्जाम सेंटर पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शांति से जाइएगा, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा कि अब क्या होगा या जो भी है, तो ऐसा कुछ भी मत सोच के जाइएगा, बिल्कुल आराम से जाइएगा, आराम से पेपर सॉल्व करके आइएगा। आप देखेंगे जब पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से आप बाहर निकलेंगे जितना मैंने बताया है आप उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे तो सेंटर से निकलने के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा मेरा पेपर गया है। ठीक है, सो यहीं तक हम अपना सेशन को एंड करते हैं एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से करके आइएगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है अपनी वो सारी नॉलेज को बहुत अच्छे से अपने पेपर में अप्लाई करके आइएगा। ये टाइम है अपने आपको दिखाने का कि आप कुछ कर सकते हैं, आप भी जीआरएस क्लियर कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से अपने पेपर को करिएगा, बिल्कुल बिंदास तरह से जाएगा, बिल्कुल डरने की पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कि बिल्कुल आप शांति के साथ जाएगा, कूल एंड काम तरीके से जाएगा, बिल्कुल किसी से डिस्कशन मत करिएगा वहां पर एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा सा पेपर करके आएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।